और चेक कर वीडियो बना रहा क्यों यार कभी एक मिनट भाई दूर है की बात कर ठीक है ना ठीक है ना दारू पी के अस्पताल में ड्रामा कर रखे हो दारू पी रहे हो पेशेंट के लिए दारू लेके आ रहे हो दारू लेके आ रहे हो पेशेंट के लिए भाई सर क्या नाम है इसका चंद्र प्रकाश हाँ भाई कौन सी चौकी थी भैया बताओ बदतमीजी कर रहे हो स्टाफ के साथ मुलाजिम छोड़ के मुलाजिम बता रहे हैं मुझे लेडी स्टाफ अंदर आने से डर रही है कि तुमने ड्रिंक कर रखी है चार चार जने बैठे तुम दारू पी रहे हम चार जने तो अभी गए ना छह जने बैठे उन पे चले भी जा रहे हैं तीन तो अभी गए पेशेंट को भी पिला रखा है बताओ आप पेशेंट हो आप बोलो पेशेंट भी ठीक के बैठा हुआ देखो आप पेशेंट हो सर भी आवे तो कह रहेगा आप पुलिस वाले चंद्र प्रकाश चौकी बतानी है चौकी बता रहे वीडियो चालू होते कुछ नहीं बोल रहे हैं चलो 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 बाहर चलो आपसे प्यार से बोल रहे हैं हम आप बाहर चले जाओ हॉस्पिटल से ये छोड़ो यहीं अलाउड नहीं है यहां पे ड्रिंक करके अकेले नहीं है आप सुबह आइए जो कोई आओ करते हो अब अभी मैं कोई नहीं हूं पास में चलो दारू भी कहां करोगे मेरे पास में अब हम बात हमें बात नहीं करनी हम का अग्रिम बात करके लेकिन बात तो कर ले बने किससे क्या बात करनी है आपको कुछ नहीं करना किस बात को करनी है चलो चलो आप ये चलो जाओ हां मतलब रिलैक्स है तो और बहुत पेशेंट है किससे बात कर जी मेरा नाम है कुलदीप डागर कुलदीप जी जो अभी एक घटना देखी कि सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जी सर जो एसआरएस के जो डायरेक्टर चेयरमैन है अनिल जिंदल जी सर तो क्या मामला है कब का मामला क्या सर ये 28 तारीख को एडमिट हुए थे हमारे मेट्रो हॉस्पिटल में दिन में हाँ जी 28 अगस्त को दिन में और मुझे नहीं पता था कि ये अनिल जिंदल जी हैं क्योंकि हमें नॉर्मल पेशेंट हैं हमारे तो ये 28 तारीख को नाइट में हमारे बाउंसर थे वहाँ ड्यूटी पे तो उन्होंने पता चला कि वो ड्रिंक कर रहे हैं और कुछ पुलिस वाले भी हैं जबकि ये अलाउड नहीं है हॉस्पिटल में तो उसने मेरे से कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है वो ड्रिंक कर रहे हैं तो आप उनसे बोलो मैं और मेरे साथी थे अमन जी हम दोनों वहाँ गए रूम में तो हमने देखा कि वो तीन चार पुलिस वाले थे और पेशेंट खुद अनिल जिंदल जी थे वो ड्रिंक कर रहे हैं वहाँ बैठ के हमने उनसे मना किया तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई हम रेगुलर कस्टमर हैं रेगुलर आते हैं हर साल में आते हैं और पहले तो किसी ने मना नहीं किया यहाँ तो बहुत सारा कुछ होता है आज ही क्यों है पहले तो हमने ड्रिंक भी किया और यहाँ लड़की भी मिलती है हमें उन्होंने कहा था कि लड़की भी मिलती है और पहले तो हाँ जी सर तो उन्होंने कहा कि हमें पहले तो किसी ने मना नहीं किया अब आप मना क्यों कर रहे हैं मैंने कहा कि सर पहले अलग बात है अब हमारी ड्यूटी है हमें ऑर्डर है कि बिल्कुल कोई ऐसा काम नहीं होगा तो हमें परमिशन दिया नाइट मैनेजर ने कि भाई उनसे मना करो तो हमने उनसे मना किया तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप ऐसे करोगे तो हम डॉक्टर नीरज जैन को आपकी कंप्लेंट करेंगे क्योंकि हम उनके वो हैं और हमें पूरी वो है कौन है नीरज जैन क्या डॉक्टर नीरज जैन यहाँ पे MD हैं हॉस्पिटल में उसके बाद क्या हुआ उसके बाद हुआ सर हमने फिर भी उनसे कहा कि सर हमारी ड्यूटी है हम बिल्कुल अलाउड नहीं करेंगे हमने उन्हें मना किया चलो ठीक है तो हम मना उन्होंने रख दी हम बाहर आ गए रूम के प्राइवेट रूम है वहाँ अलाउड नहीं है थोड़ी देर बाद पता चला नर्सिंग स्टाफ गए अंदर मेडिसिन के लिए तो वो देखे तो वहाँ फिर ड्रिंक कर रहे हैं वो तो नर्सिंग स्टाफ ने फिर हमसे कहा कि भाई वो तो फिर ड्रिंक कर रहे हैं हमने जाके फिर उनसे कहा मैंने सर बिल्कुल अलाउड नहीं है हमने अपने नाइट मैनेजर थे हॉस्पिटल के उनसे बात की उन्होंने कहा कि ऐसे करो कि पेशेंट के अलावा रूम में कोई नहीं रहेगा सबको निकाल दो हॉस्पिटल के बाहर कुछ पुलिस वाले थे वर्दी में हमने उन्हें निकालने की कोशिश की उन्होंने कहा कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो हम डॉक्टर नीरज जैन को बोल के और दानिश महाजन है SSO उनसे बोल के हम आपकी ड्यूटी से निकलवा देंगे हम आपको सर हमने कहा कि सर आप चाहे किसी से बोल लो हम अलाउड नहीं करेंगे यहाँ पे फिर उन्होंने फ़ोन भी किया किसी से पता नहीं किससे फ़ोन पे बात की फिर हमने उनसे कहा मैंने कि सर नहीं बिल्कुल हमने उन्हें निकाल